फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से करेंगी मुलाकात। नोएडा में खतरनाक स्तर तक पहुंचा वायु प्रदूषण, 463 दर्ज किया गया। AQI नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण फैलाने वाले 11 संस्थानों पर 5,95,000 का लगाया जुर्माना। कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान। किसान आंदोलन के एक साल होने पर आक्रोश, राकेश टिकैत बोले MSP पर समझौता नहीं। जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे युद्धाभ्यास, थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल। पूर्वांचल लाइट के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, वंदे मातरम। पूर्वांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, कल 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का संभावित दौरा भी बताया जा रहा है। वाराणसी दौरे की तैयारियों को लेकर CM योगी जायजा लेंगे, निरीक्षण करने पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी, कल 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे। तो वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कल से उनका ये दौरा शुरू है, यानी कल उनका पहला दिन होगा दौरे का, उसके बाद दूसरा दिन होगा। तो कल वो वाराणसी पहुंचेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगवानी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत भी किया जाएगा। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा दिसंबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा संभावित बताया जा रहा है। तो दिसंबर में वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं, और वाराणसी दौरे की तैयारियों को लेकर CM योगी आदित्यनाथ उसका जायजा लेने के लिए कल वाराणसी पहुंचेंगे। तो क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारी है कार्यक्रम को लेकर, आगमन को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था और तैयारी है, उसका जायजा लेने के लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तो कल से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। दिसंबर में PM मोदी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। तो वाराणसी दौरे की तैयारियों को लेकर CM योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे, क्योंकि PM मोदी का प्रस्तावित दौरा है, संभावित दौरा है वाराणसी का, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचेंगे। और वहीं 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा जाएंगे। वहीं CM योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर अब पूरी समय सीमा तय हो चुकी है, कार्यक्रम पूरा मिनट टू मिनट तय हो चुका है। नेटवर्क 10 के संवाददाता अतुल कुमार यादव ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो मैजापुर चीनी मिल परिसर में हेलीकॉप्टर उतरेगा, पूरा कार्यक्रम क्या होने वाला है। CM योगी आदित्यनाथ का कल गोंडा का दौरा है, उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ उनका रहेगा। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 27 हेक्टेयर में ये बनाया जाएगा। गोंडा से 11:20 पर वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो रवाना होंगे। तो CM योगी आदित्यनाथ का कल गोंडा का दौरा है, 27 नवंबर को CM योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर रहेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सुबह करीब 10:30 CM योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसके बाद मैजापुर चीनी मिल परिसर में ये हेलीकॉप्टर उतरेगा। एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में करने जा रहे हैं। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 27 हेक्टेयर में ये प्लांट बनाया जाएगा। तो प्लांट बेहद ही महत्वपूर्ण है और बड़ी सौगात इसको समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बड़ी सौगात यहाँ पर एथेनॉल प्लांट के रूप में यहाँ के लोगों को देने जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा का दौरा है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पर मैजापुर चीनी मिल द्वारा बनाया जा रहा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जो कि करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 27 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पीछे यहाँ पर जो तैयारी व्यवस्था है वो की जा रही है। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 10:30 बजे जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। करीब वो यहाँ पर 10:30 बजे से 11:20 पर यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। ये अगर इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये 350 किलोलीटर की क्षमता होगी। ये प्रतिवर्ष 62 लाख से अधिक किलोलीटर की इसकी उत्पादन क्षमता वो मानी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर तैयारी व्यवस्था पूरी जा चुकी है। कल मुख्यमंत्री का गोंडा आगमन है। अतुल कुमार यादव, नेटवर्क 10। और वहीं जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में उमानाथ सिंह स्टेडियम टीडी कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अच्छे से बैरिकेडिंग की जाए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर संजय कुमार को ये निर्देशित कर दिया गया कि ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी प्रकार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहें। इस खास अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए कल माननीय रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो भी सुरक्षा कर्मी निकले तो वो सब हम लोगों ने एक एक चीज को देख के हम और पत्रकार में पूरी कर लिया है और तैयारियां कर। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची हैं। थोड़ी देर के लिए स्वराज भवन में रुकेंगी, फिर उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बड़ी जानकारी, फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची हैं। थोड़ी देर के लिए वो स्वराज भवन में रुकेंगी, उसके बाद फिर वो तय कार्यक्रम के अनुसार फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करेंगी। तो फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। थोड़ी देर के लिए वो स्वराज भवन में रुकेंगी, फिर उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार वो फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात भी करेंगी। तो नरसंहार जो हुआ था, फाफामऊ हत्याकांड नरसंहार के परिजनों से वो मुलाकात करेंगी। जो मृतकों के परिवार वाले हैं उनसे वो मुलाकात करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर के लिए वो स्वराज भवन में जरूर रुकेंगी और तय कार्यक्रम के अनुसार फिर वो फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से खास मुलाकात करेंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची हैं। हालांकि जो उनका विजिट है, जो वो पहुंची है प्रयागराज, और खास तौर पर तब जब वो फाफामऊ नरसंहार के परिजनों से मुलाकात करेंगी, हत्याकांड के परिजनों से खास मुलाकात करेंगी, इसको राजनीतिक मायनों से भी देखा जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए वो स्वराज भवन में रुकेंगे, फिर उसके बाद अपने तय कार्यक्रम के अनुसार वो फाफामऊ हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात करेंगी। पूर्वांचल लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा, सिर्फ 650 रुपए की, पूरे एक महीने की दवा होती है। और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायु सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3,00,000 बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट।
अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य का क्लब पाइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। स्मृति ईरानी कल रायबरेली पहुंचने वाली हैं और स्मृति ईरानी अपने पहले रायबरेली के दौरे के दौरान जिले को बड़ी सौगात भी दे सकती हैं। दरअसल स्मृति ईरानी कल यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगी। शहर के प्रगति पुराम कॉलोनी में बनाई गई ESI की भव्य बिल्डिंग संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। दरअसल रायबरेली में ESI की डिस्पेंसरी अभी तक किराए की बिल्डिंग पर चल रही थी। सोनिया गांधी यहां लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन श्रमिकों की इस महत्वाकांक्षी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया। किराए की इस बिल्डिंग में होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कार्यक्रम यह है कि कल केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी इसका 11 से 12 बजे के बीच में उद्घाटन करेंगी और सारा निरीक्षण करेंगे हमारी डिस्पेंसरी का। उसके बाद एक सभा है, सभा को संबोधित करेंगी। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, और वैसे वैसे सभी दल अपने संगठनों को मजबूत करने और उसे विस्तार देने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में श्रावस्ती में BJP कमिश्नरी की बैठक हुई, जिसमें देवी पाटन मंडल के BJP कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल रहे। बताते चले कि इस बैठक में BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने मतदाताओं में जोश भरने का काम किया और विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि ओबीसी यहां पर आकर अपना काम करें, प्रदेश में आकर माहौल ना खराब किया जाए, इसे हैदराबाद ना बनाएं। हम 4.5 सालों से शांति के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने अखिलेश पर भी निशाना साधा और साधते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव को जिन्ना याद आने लगे हैं और ओबीसी को दंगे याद आने लगे हैं। ओबीसी थोड़ा यहां पर आकर माहौल ना खराब करें, अपना काम करें, अच्छी बात है, लेकिन माहौल खराब ना करें, यहाँ हैदराबाद में न बनावे, क्योंकि इस समय 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओबीसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित रूप से पहली उड़ान आज शुरू हो गई है, जिसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। पहली फ्लाइट के यात्रियों के लिए स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरीके से तैयार दिखा। वहीं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के SG-2987 का पहला विमान उतरा। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर एयरपोर्ट पर विमान के उतरने से पहले कुशीनगर सांसद विजय दुबे ने दीप प्रज्वलित और केक काटकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी किले पर आने के बाद से ही किले पर सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। दूर दूर से लोग किले को देखने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए किले को नया लुक दिया गया है और किले के अंदर मौजूद संसाधनों को भी आधुनिक किया गया था। लाइट एंड साउंड सिस्टम को आकर्षक बनाया गया है। और उधर अंबेडकर नगर में अवैध संबंध की आशंका के चलते एक शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया ये जा रहा है कि मृतक के दोस्त ने ही उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, क्योंकि आरोपी को ये शक था कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच में कोई संबंध है। रस्सी से गला कसकर हत्या को अंजाम दिया गया। बाद में घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए कार को शव पर चढ़ा दिया गया। मृतक का शव पुथर चौराहे के पास हाईवे पर मिला था। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिन पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एक डेड बॉडी टांडा क्षेत्र में बरामद हुई थी। पहचान कराने पर पता चला है कि वो संजय वर्मा, जो अकबरपुर के रहने वाले हैं और कचहरी में काम करते हैं, उनकी बॉडी निकल के आई और प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा था जैसे उनका एक्सीडेंट, कहीं कोई भीषण एक्सीडेंट हुआ हो,
ऐसा प्रतीत हो रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये थोड़ा संदेह की स्थिति थी, चूँकि उसके दोनों कंधे टूटे हुए थे और रगड़ का निशान था और ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। परंतु जब मामले की जानकारी और गहनता से की गई तो ये पता चला कि इस घटना के पीछे एक लंबी साजिश थी और आज पुलिस ने इसमें जो शामिल अभियुक्त गण थे दो अभियुक्त उनको पकड़ लिया है। और उधर अमेठी कोतवाली के एक गांव में 11 साल की बच्चे के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भी भेज दिया है। देखिए, कल थाना अमेठी में एक नाबालिग लड़की द्वारा बताया गया था कि उसके साथ रोहित वर्मा नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज रोहित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं गोंडा में हुए ट्रिपल मर्डर के पूरे मामले में एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी, डीआईजी, एसपी समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बताते चले कि इस पूरे मामले में प्रेमी ने प्रेमिका समेत तीन लोगों को मौत के घाट उतारा था। वहीं प्रेमिका की छोटी बहन का इलाज अभी जारी है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एडीजी अखिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान एडीजी ने गोंडा में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर यह कहा कि गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं, 12 टीमें अभी लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस पार्टियां गठित कर दी गई हैं, करीब 12 टीमें इस पर वर्क कर रही हैं। डीआईजी साहब ने अपने स्तर से 50,000 का इनाम कर दिया था। आज मैंने समीक्षा की है गिरफ्तारी के प्रयासों को और उसका इनाम बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है। इस विषय में हम लोग पूरे देश में सूचना भेज रहे हैं, क्योंकि इस रेलवे में काम करता था, इस बात की प्रबल संभावना है कि रेल का प्रयोग करके वो कहीं दूर चला जाए, तो उस दृष्टि में भी देखते हुए हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे और सूचना उसकी गिरफ्तारी के उसके फोटो को वाइडली सर्कुलेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी इसमें हमें सार्थक नतीजे प्राप्त हों। और फिलहाल पूर्वांचल लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल